नमस्कार, मैं निशा तोमर अपने चैनल मिश्रित रसोई में आप सबका फिर से स्वागत करते हैं और बनाते हैं कच्चे आम से फ्रूटी। ले एक किलो मैंने आम लिए हैं और उनको धोने के बाद ऐसे आगे से काट दिया है और जो पीप सा निकला है उसको भी अच्छे से धो लिया है। अब धोने के बाद और इसका पीप निकालने के बाद इसको अच्छे से छील लेते हैं। आमों को आप थोड़े मोटे मोटे पीस में काट लेंगे। मैंने ऐसे पीस कर लिए हैं मोटे मोटे और अब मैं इसे कुकर में डाल करके उबालने रखूंगी। साथ में ही एक गिलास पानी भी डाल, कुकर में कटे हुए पीस डाले हैं और साथ ही मैं एक गिलास पानी भी डाल रही हूँ। ढक्कन लगा करके गैस ऑन कर दी है। चार पांच सीटी लगाने के बाद आम इस तरह से हो गया है। अगर आपका आम इस तरह से नहीं हुआ है तो आप एक या दो सीटी और लगा सकते हैं। अब हम इसे मोटी छलनी से छान लेते हैं। छानने से एक ये काम होगा कि उसका जो मोटा छिलका है वो बाहर ऊपर की साइड रह जाएगा और तैयार पल्प जो है वो नीचे चला जाएगा। इस तरह से आप छान लीजिए और जब तक आपका ये पूरा आम का जो गूदा है वो नीचे ना पहुंच जाए इस तरह से आप इसको मैश करते रहें और वो नीचे पहुंच जाएगा। ऐसे रगड़ के छाना है और ऊपर जो है आम का वेस्टेज निकल गई है, जो उसके रेशे हैं या मोटा छिलका है वो निकल गया है और नीचे जो इसका पल्प तैयार हुआ है इससे हम लोग फ्रूटी बनाएंगे। तैयार पल्प को कुकर में डालते हैं। इस समय बाज़ार में कच्चे आम भरपूर मात्रा में आ रहे हैं। ड्रिंक आपको विटामिन सी देगा और मैंने इसमें चार गिलास पानी मिलाया है। पानी डालने के बाद इसमें मैंने एक बड़ी कटोरी चीनी मिलाई है क्योंकि मेरा आम खट्टा है। अगर आपका आम ज़्यादा खट्टा ना हो तो चीनी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। 5 मिनट मैंने इसे उबाला है और अब देखिए ये इतनी पतली बन गई है, ये देखिए। और अब मैं इसे उतारने के बाद इसमें कलर ऐड करूँगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एसेंस नहीं डालना है क्योंकि इसका खुद का जो खुशबू है वो बहुत अच्छी होती है। देखिए मैं इसमें हल्का सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल एक चुटकी ही डालूँगी, ज़्यादा मत डालना आप। ये देखिए हल्के से पानी में मैं इसको घोल करके जो मैंने अपनी फ्रूटी तैयार फ्रूटी इस तरह की होगी और अब आप इसको ठंडा करने के बाद सर्व कर सकते हैं। ये आपको मैंगो ड्रिंक आपको ताजगी और इम्यूनिटी दोनों देगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।